हेलो गाइस, अगर आपको भी ये समस्या आ रही है तो इस वीडियो में आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी आपको फालतू की बातें नहीं बताई जाएगी। चलिए देखिए इस वीडियो को और समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है। सेम प्रॉब्लम अगर आपको ये दिख रहा है एरर कोड 800 या फिर आपको दिख रहा होगा नो डायरेक्ट एक्सेस अलाउड, एरर आईडी डायरेक्ट एक्सेस, तो इसका 100% सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देख रहे हैं। इसमें से आपको जो भी समस्या आ रही है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अच्छा, कई लोगों को ये भी समस्या आ रही है कि इनएक्टिव यूज़र एरर कोड 827 आती है। अगर ये एरर आ रही है तो वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताया है और आपको इस वीडियो से भी हेल्प मिल जाएगी इसके लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसमें एरर कोड 800 यानी नो डायरेक्ट एक्सेस अलाउ, एरर आईडी डायरेक्ट एक्सेस, तो इसका सॉल्यूशन हम इसमें दिख रहे हैं। इसमें क्या है, अगर आप सीएससी एजेंट मतलब आईआरसीटी के एजेंट हैं, अगर सीएससी के द्वारा अगर आप आईआरसीटी की ट्रेन की टिकट को बुकिंग करते हैं कुछ भी इस तरह से, तो आपको ये सबसे ज़्यादा समस्या आ रही होगी। इसके अलावा भी अगर और आपको समस्या आ रही है तो उनके भी कारण और हो सकते हैं। उससे पहले जैसे कि अगर आपको बता दें कि और प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, जैसे अगर आपने सीएससी का कुछ पेमेंट नहीं चुकाया है तो ऐसी समस्या आ रही आ सकती है, या फिर ये होता है कि आपको कुछ पेमेंट मिलना है लेकिन सीएससी को पहले कन्फर्म करना है कि आपको ये मिलना है या नहीं मिलना है, तो भी ये कुछ समस्या आती है। अगर आपने कोई बिजली का बिल दिया और वो रिफ़ंड आना है आपके वापस वॉलेट में और उसके लिए सीएससी कुछ आपसे कंफर्मेशन के लिए कुछ मांगता है, तो ये एरर फिर भी आता है। या कुछ पेमेंट देना है, मतलब सीएससी आपको कुछ पेमेंट देना चाहती, तब भी ये एरर आ सकता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सबसे ज़्यादा एरर कहाँ से आती है, सबसे ज़्यादा एरर वहाँ से आती है जो सीएससी सेंटर चलाते हैं और वो आईआरसीटीसी की आईडी का यूज़ करते हैं, एजेंट आईडी का, और वो किसी का भी टिकट बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने यहाँ से किसी का टिकट बनाया और उसको कैंसिल करवाने की ज़रूरत पड़ गई, उसको अगर चाहता है वो कि कैंसिल करना है, और अगर आपने कैंसिल कर दिया, अगर आपने कैंसिल किया और अगर आपने ओटीपी से वेरीफाई नहीं किया, तो ये डेफिनेटली आपको एरर आएगा ही ना। आप फिर दोबारा कोई टिकट बुकिंग कर पाएंगे, कुछ समय के लिए तो चलेगा, 2-4 दिन आप ये कर सकते हैं, लेकिन 2-5-10 दिन के बाद में ये बिल्कुल टोटली बंद हो जाएगा। जब सीएससी को आपको पैसा लौटाना है तो पहले आपको ओटीपी वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तब जाके ये आपकी एरर सॉल्व होगी। इसके अलावा शायद आप वॉलेट को भी ऐड नहीं कर सकते, अगर आप वॉलेट ऐड करते हो तब भी ये समस्या आती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका कुछ पेमेंट आना है यानी कुछ फंसा है, रिफ़ंड फंसा है, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, एरर आती रहेंगी। तो चलिए, जैसे अगर आपने टिकट कैंसिल कर दिया है, ओटीपी वेरीफाई नहीं किया, तो कैसे करना है वो आप इसमें देखिए। जैसे अगर आप माई ट्रांजेक्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आप दिख रहे होंगे कैंसिल करने के बाद में, तो इसके बाद में आप जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको टिकट कैंसिलेशन हिस्ट्री, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो टिकट कैंसिल टिकट है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरह की दिखेंगी। तो जो भी आपने टिकट कैंसिल किया है, ओटीपी वेरीफाई नहीं किया, उस वक्त क्लिक करेंगे आप यहाँ पर ट्रेन का नंबर वगैरह आप वो देख लीजिए कौन सी टिकट है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आता है, यहाँ पर नीचे लिखा रहता है वेरीफाई, आपको वेरीफाई कराना पड़ता है ओटीपी। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे एक ओटीपी जनरेट होगा, उनके कस्टमर के मोबाइल नंबर पर जाएगा, जो कस्टमर का मोबाइल नंबर आपने दिया था, मतलब कस्टमर का मोबाइल नंबर आपने लगाया था टिकट बुकिंग करते समय, रिजर्वेशन करते समय। तो जैसे वो ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालिए, सबमिट करिए, जैसे आपका वेरीफाई होगा तो ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद में 15 दिन के अंदर अंदर जो आपका अमाउंट रिफ़ंड होना था, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर रिफ़ंड अमाउंट 80 रुपीज़, तो जैसे ये रिफ़ंड आना 15 दिन के अंदर आ जाता है, तो सॉल्व तो आपकी प्रॉब्लम यहीं से हो जाती है, जैसे आप वेरीफाई करते हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको ये कोड जो एरर आ रहा था ये नहीं देखने को मिलेगा, ये वाला एरर, तो सॉल्व तो आपकी यहीं से परेशानी हो जाती है। पर ये ओटीपी वेरीफाई कराना जरूरी रहता है, लेकिन इसके बाद में अगर आप सीएससी के एजेंट मतलब आईआरसीटीसी एजेंट नहीं है, इसके बाद में भी अगर आपको एरर आ रहा है, तो वो कारण ये है कि अगर कोई भी आपने चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट किया हो, कुछ भी बिल पेमेंट किया है सीएससी से, और अगर आपको रिफ़ंड आना है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ डिटेल्स आपने छोड़ दी होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको ओटीपी वेरीफाई कराया, ऐसे ही कुछ ना कुछ और आपने कुछ वेरीफिकेशन छोड़ दिया होगा, जिसके कारण ये एरर आता है। आप चाहे कोई भी पेमेंट आपका आना हो, फंसा हुआ है, रिफ़ंड आना हो, रिफ़ंड कह सकते हैं, कोई भी रिफ़ंड आना है, तो वो आपको पहले डिटेल्स वेरीफाई करानी पड़ेगी, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमारे केस में क्या था, ये
एरर आ रहा था, तो ये बड़ी समस्या हो गई। सीएससी को मेल किया, ये सब किया, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन पता तो यही चला था, जानकारी थी हमें पहले से कि ये क्यों आ रहा है। बट वो कस्टमर क्या था, वो कस्टमर का फ़ोन नहीं लग रहा था और उससे OTP वेरीफाई कराने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसको क्या बोले, वो क्या समझेगा, कुछ गलत ना समझे, तो इसीलिए ये थोड़ी सी समस्या होती है। तो उम्मीद है इसमें आपको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे आपके लिए प्रॉब्लम वाली वीडियो और इस तरह के सॉल्यूशन आपके लिए मिलते रहे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, जो आपके लिए काम के वीडियोस हों।